हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ने जा रहा हूं। फिर बच्चों ने मुझे सिलेबस वाले पोर्शंस पे रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ आप और भी सब्जेक्ट्स के सिलेबस के रिगार्डिंग वीडियो बनाए जिससे हम लोग को एक आइडिया हो जाए कि जिस इंस्टीट्यूट से हम पढ़ रहे हैं वहाँ इस सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। सिर्फ सिलेबस ही नहीं, जो वीडियो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाता हूँ उसमें मैं एक उस सब्जेक्ट्स के थीम को भी लेके आता हूँ। सिर्फ मैं इतना ही नहीं बताता कि उस सिलेबस में क्या है, मैं थोड़ा सा हर टॉपिक्स को हिंट भी करता हूँ जिससे बच्चों को बहुत हेल्प मिलता है। तो बच्चे जानना चाहते हैं कि जो हमारा सिलेबस है वो है क्या, उसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन सा पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और बहुत जल्दी फिर मैं आपके लिए जब सिलेबस का पोर्शन पूरा कर दूंगा तो हर सब्जेक्ट्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये जो एग्जामिनेशंस में आते हैं हम उसको लेके भी आपके साथ आएंगे और हर सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी आपके साथ बहुत जल्दी वर्क स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के सिलेबस पे काम करने जा रहा हूं और यह टॉपिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आप भी कॉम कर रहे हैं, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट से भी कॉम कर रहा हूं, आपको अकाउंटिंग पढ़ना ही पढ़ना है। आप बीकॉम के 3 सालों में, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, हर साल में आप कोई ना कोई अकाउंटिंग का ब्रांच पढ़ते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग हो, चाहे मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, चाहे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो, चाहे टैक्स अकाउंटिंग, कुछ भी आपको हर साल अकाउंटिंग का एक पार्ट पढ़ना ही पढ़ना है। इन सब में सबसे पॉपुलर अकाउंटिंग का जो पोर्शन है ना, जो सबसे पॉपुलर ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग है, जो सबसे पॉपुलर ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, हम उस अकाउंटिंग पे आज आपके साथ काम करने जा रहे हैं। और देखिए साफ साफ मेंशन है सिलेबस, और इस बार हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस पे काम करने जा रहे हैं जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज में बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। चाहे आप एनुअल मोड में एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सेमेस्टर मोड में एग्जाम दे रहे हो, ये पेपर हर जगहों पे है। हाँ, यहां मैं एनुअल टॉपिक्स को लेकर आ रहा हूं जहां पोर्शन थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। और ये वीडियो स्पेशली गोरखपुर यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी, ये फिर से ये उन यूनिवर्सिटी से ज्यादा रिलेटेड है। अदरवाइज बहुत सी यूनिवर्सिटीज में अभी ये सिलेबस है, थोड़ा सा चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स कुछ यूनिवर्सिटीज में है, कुछ यूनिवर्सिटी में नहीं है। ये आइए मैं आपको इस पूरे सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और ये सिलेबस मैंने 4 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है, आप देख सकते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, फिर अगर आप यहां आए देखें यूनिट 3, फिर देखें ये यूनिट 4। पूरा जो सिलेबस है आपका वो 4 यूनिट्स में डिवाइड है। आप ऐसे समझे कि अकाउंटिंग एक ट्री है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसका एक ब्रांच है, कॉस्ट अकाउंटिंग उसका एक ब्रांच है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसका एक ब्रांच है। तो उसी में आज आप अकाउंटिंग के एक ब्रांच के ऊपर स्टडी करने जा रहे हैं जो सबसे पॉपुलर अकाउंटिंग है और उसका नाम दिया गया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब आइए इस बार जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस है उसमें हम यूनिट 1 में आते हैं, जहां इस यूनिट्स में इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको अकाउंटिंग का पढ़ना है। जहां से अकाउंटिंग का ABCD स्टार्ट होता है वहां से हमारा सिलेबस भी स्टार्ट होता है। यानी आप अगर बीकॉम में हैं, आप कॉमर्स बैकग्राउंड्स के हैं, या आप आर्ट्स बैकग्राउंड्स के हैं, या आप साइंस बैकग्राउंड्स के हैं, और अब आप अगर कॉमर्स कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, तो आपको वरी होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आपको अकाउंटिंग ABCD से पढ़ाया जाता है। तो यहां पर जो यूनिट 1 है वो आपको फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, जो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग है, उसके बारे में बताता है। और मैं आऊं तो एक बार आप देखिए कि यहां पे अकाउंटिंग है। यहां पे बात करते हैं अकाउंटिंग की, इसके लिए सिंगल एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। रियल में हम जिस बिजनेस में होते हैं ना, उस बिजनेस का ही ये एक लैंग्वेज है, और हम बिजनेस में जो ट्रांजेक्शंस होते हैं ना, उन ट्रांजेक्शंस को हम सिस्टमेटिकली अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। उन 1 साल के बिजनेस में हमें क्या प्रॉफिट लॉस हुआ ये जानना चाहते हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है इसको पता लगाना चाहते हैं, हम हमारे जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको हम अपने अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स करते हैं। पूरी अकाउंटिंग्स में आइए आपको मैं एक बार यूनिट्स को मैच कराता हूं कि यूनिट 1 जिसमें अकाउंटिंग के बारे में डिस्कशन है, अकाउंटिंग की मीनिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग, यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर अकाउंटिंग का डेफिनेशन, डिफरेंट डेफिनेशंस के पार्ट्स हैं, ठीक है।
फिर स्कोप है, ब्रांचेस है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जब आऊँ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके इन ब्रांचेस को एक ही साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपको मेरी बात ज़्यादा क्लियर होगी। मैंने कहा आपसे अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग व्यवसाय की भाषा है। पता है अकाउंटिंग की नीड्स जो है, हमारी मेमोरी बहुत शार्प नहीं है, हम भूलते हैं, कहा जाता है ना कि मानव का स्वभाव भूलना होता है, तो कैसे कोई व्यक्ति बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को अपने माइंड में स्टोर कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पिछला सब भूलता जाएगा, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ट्रांजैक्शंस को अपने मेमोरी के ऊपर बेस छोड़ नहीं देना चाहिए, हमें उन ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। और यही अकाउंटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट नीड्स हुई कि पहले बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको बुक्स में क्या किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए, जिससे अगर हम भूल भी जाएं तो हमें पता रहे कि पूरे ईयर में क्या परचेज है, क्या सेल्स है, किसको देना है, किससे लेना है, हमारे एसेट्स क्या है, हमारे लाइबिलिटीज क्या है, हमारे टैक्सेस क्या बन रहे हैं, ठीक है, हमारे इनकम क्या है, एक्सपेंसिस क्या है। सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब हम अपने ट्रांजेक्शन्स को, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को बुक्स में क्या करेंगे, रिकॉर्ड्स करेंगे। तो अकाउंटिंग यहीं से शुरुआत होता है कि हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, बिजनेस के ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड्स करते हैं। फिर बिजनेस, एक साल के बिजनेस में जो कुछ भी हमने बिजनेस में किया है उसका प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। फिर बिजनेस का फाइनेंशियल पोजिशन एक पर्टिकुलर डेट का निकालते हैं, और जो भी बिजनेस के इंफॉर्मेशन हैं, जो हमारे पार्टीज हैं जो हमसे इंटरेस्टेड हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। यही काम पूरे अकाउंटिंग्स में हमें करना होता है। अब आइए यहां आएंगे तो अकाउंटिंग की मीनिंग है, अकाउंटिंग क्या है, जो मैंने बताया आपको, ठीक है, कि अकाउंटिंग एक आर्ट है जो फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को बुक्स में रिकॉर्ड्स करता है, उसको क्लासिफाई करता है, उसकी समरी बनाता है और उसके रिजल्ट्स का इंटरप्रिटेशंस करता है। यही हमारे अकाउंटिंग है। यहां पे यहां डिफरेंट ऑथर्स के डेफिनेशंस हैं। यहां सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन AICPA का है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। फिर आएंगे तो अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में आएंगे तो आपको यहां बताया जाएगा कि और डिफरेंट ब्रांचेस, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ठीक है ना, फिर से इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना है आपको। फिर डेवलपमेंट, अकाउंटिंग का शुरुआत कहां से हुआ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ अकाउंटिंग हम लुका पास्चोली को मानते हैं, और अकाउंटिंग की ओरिजिन 1494 में इटली में हुआ था, जिसके फाउंडर लुका, इसके फादर लुका पास्चोली माने जाते हैं, इसको लुकास पास्चोली भी कहते हैं, और वहां से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और आज पूरे वर्ल्ड में हर जगहों पे इसको एक मान्यता मिल चुका है। इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन से ICA, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI, जो इसी के लिए हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे इसके लिए नॉर्म्स बनाती है, इसके लिए स्टैंडर्ड फिक्स करती है, सारी चीजें होती हैं। और अब अकाउंटिंग का डेवलपमेंट उस एज से लेकर आज तक काफी कुछ हो चुका है, और इस समय हम मॉडर्न एज में हर बिजनेस में अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं, कंपल्सन है हमें अकाउंटिंग बुक्स में मेंटेन करना ही करना है। तो यहां आप फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टिल डेट अकाउंटिंग में के डेवलपमेंट कैसे हुए हैं, कहां कहां से हुए हैं, जहां की शुरुआत मेसोपोटामिया से बताई जाती है वहां आज तक इसमें डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, ये आप पढ़ेंगे। यहां नीड्स मैंने बताया, अकाउंटिंग की नीड्स बहुत सी है, ठीक है, मैंने इसके रिगार्डिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वीडियो बनाया है जो मेरे प्लेलिस्ट में है, जिसमें मैंने स्पेशली एक वीडियो अकाउंटिंग की नीड्स पे बनाया है कि अकाउंटिंग की नीड्स क्या है। अकाउंटिंग की नीड्स पता है आपको, मैंने बहुत डिटेल में इसको बताया है आपके लिए। फिर ऑब्जेक्टिव्स, पूरी अकाउंटिंग को देखा जाए तो इसके ऑब्जेक्टिव्स में आए तो मेनली ऑब्जेक्टिव्स में आए तो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिकली बुक्स में रिकॉर्ड्स करना है। नंबर वन, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना है। टू नो फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजिशन पता करना है। एंड लास्ट, प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, जो हमारे हमसे रिलेटेड पार्टीज हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। फिर आएंगे तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, देखिए यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, इसी में से एक टॉपिक आ गया कि हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन
को कौन कौन सा यूज करते हैं, उसी में इंटरनल यूजर जिसमें ओनर है, मैनेजमेंट है, एक्सटर्नल यूजर में जाएंगे आप तो क्रिएटर्स है, बैंक है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट है, टैक्स अथॉरिटीज है, ठीक है, रिसर्चर हैं, पब्लिक है, ठीक है, ट्रेड यूनियन है, ये डिफरेंट हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं जो हमारे इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। सबके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड्स अलग अलग होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और यहां एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। हमेशा इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकाउंटिंग जो यूजर्स हैं वो कौन कौन होते हैं और उनकी नीड्स क्या होती है, वो क्यों उस इंफॉर्मेशन की उनको जरूरत क्या होती है, यहां बताया जाता है। ठीक है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, फिर बुककीपिंग। जब अकाउंटिंग करते हैं ना, पूरी अकाउंटिंग अगर मैं आपको एक बार रो में दिखाऊं तो अकाउंटिंग में सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर हम क्लासिफाइंग करते हैं, फिर हम समरी बनाते हैं, और फिर हम रिजल्ट्स निकाल के उसका इंटरप्रिटेशंस करते हैं। ये पूरी अकाउंटिंग है। हम रिकॉर्डिंग जर्नल में करते हैं या सब्सिडरीज बुक्स में करते हैं, फिर उसको क्लासिफाई करते हैं लेजर में, अलग अलग अकाउंट्स खोलते हैं। रिकॉर्डिंग जर्नल या सब्सिडरी बुक्स मुझे ये बताता है किस डेट को कौन सा ट्रांजेक्शन बिजनेस में हुआ है, उसमें क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है। क्लासिफाइंग, जहां हम लेजर एक बुक्स है जिसमें डिफरेंट अकाउंट सेपरेट ओपन करते हैं, हर अकाउंट को क्लासिफाई कर देते हैं। अगर आप किसी भी अकाउंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप क्लासिफिकेशन एंड लेजर में आएंगे। समरी, एक पर्टिकुलर पीरियड में बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं हम उनकी समरी बनाते हैं। यहाँ ये ट्रायल बैलेंस समझ लीजिए, यहीं पर आप ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट भी कह सकते हैं, जहां हम अपने एक पीरियड में बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उनकी समरी बनाते हैं, और फिर बिजनेस का रिजल्ट्स निकालते हैं, क्या प्रॉफिट लॉस है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन, और उन रिजल्ट्स का इंटरप्रिटेशंस करते हैं। और उसको इसलिए करते हैं, उनको इस तरह इंटरप्रेट करते हैं कि जो हमारे यूजर्स हैं उनकी नीड्स क्या हो जाए, उससे पूरी हो जाए, जो हमसे एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, जिस तरह के इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, हम इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स को जिससे कि उनका पर्पस क्या हो जाए, पूरा हो जाए। ये पूरी अकाउंटिंग रो में चलती है। रिकॉर्डिंग, सबसे पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनको क्लासिफाई करते हैं, फिर उसकी समरी बनाते हैं, फिर रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं। आइए देखिए यहां पे, फिर बुककीपिंग। बुककीपिंग इन्हीं इसी में से ये दो पार्ट जो है, बुककीपिंग रूटीन वर्क है जहां हम ट्रांजेक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और उसको क्लासिफाई करते हैं। ये रिकॉर्डिंग और क्लासिफाई, ये बुककीपिंग का काम है। बुककीपिंग का मतलब बुक्स को अलमीरा में रखने से नहीं है, बुककीपिंग का मतलब ट्रांजैक्शंस को बुक्स में सिस्टमेटिकली प्रॉपर तरीके से रखने से है, ये बुककीपिंग है। यहीं आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है अकाउंटिंग और बुककीपिंग में क्या डिफरेंस है, ये आएंगे। फिर अकाउंटिंग मैकेनिज्म, आइए आप जो अकाउंटिंग करते हैं ना, ये अकाउंटिंग किस प्रोसेस से होता है, अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है। मेनली दो है, एक सिंगल एंट्री सिस्टम, एक डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, हम जो हमारे तीन अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स, हम सिंगल एंट्री सिस्टम में पर्सनल अकाउंट्स और सिर्फ कैश अकाउंट्स को लेकर काम करते हैं। इसमें हम हर ट्रांजेक्शन के जो टू एस्पेक्ट्स होते हैं उसको इग्नोर करते हैं, कुछ को कुछ का सिंगल एस्पेक्ट देते हैं, कुछ का डबल, कुछ को छोड़ देते हैं। तो यहां पे जो मैकेनिज्म है सिंगल एंट्री सिस्टम, वह इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में कहा जाता है। दूसरा डबल एंट्री सिस्टम, ये सबसे पॉपुलर अकाउंटिंग है वर्ल्ड वाइड, ये सबसे पॉपुलर अकाउंट है, जो आप डेबिट क्रेडिट का नाम सुनते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम से ही है। और हम जो पूरा सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं ना, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो पूरा सिलेबस डबल एंट्री सिस्टम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्या है, बेस्ड है, जो कहता है कि हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। और यही आप पढ़ेंगे, यही बताया जाता है कि बिजनेस का जो एसेट्स है वो कैपिटल और लाइबिलिटीज के बराबर होता है, यानी एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होता है। ये डबल एंट्री कॉन्सेप्ट से ही है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से है। हर बिजनेस का जो जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसका इफेक्ट्स कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी से पड़ता है। और जब हम किसी भी ट्रांजेक्शन को लेते हैं तो हम देखते हैं कि उसका इफेक्ट्स कैपिटल, लाइबिलिटी, एसेट्स में, इन तीन में से दो किन जगहों पर पड़ रहा है। तो ये अकाउंटिंग मैकेनिज्म, अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है, अकाउंटिंग कैसे करेंगे आप, किस सिस्टम से करेंगे, ये देखिए। फिर इसी में आइए, अकाउंटिंग स्टार्ट हो गई। यूनिट वन में सबसे पहले रिकॉर्डिंग है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, और ये काम आप कहां करते हैं, जर्नल में या सब्सिडरीज बुक्स में। जर्नल, जहां बिजनेस में जब ट्रांजेक्शन की संख्या कम होती है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम होते हैं, तो हम रिकॉर्डिंग काम जर्नल में करते हैं, और जब बिजनेस में ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो रिकॉर्डिंग का काम हम सब्सिडरी बुक्स में करते हैं।
तो आप रिकॉर्डिंग कहां कर सकते हैं, जर्नल में या सब्सिडरीज बुक्स में, डिपेंड करता है कि बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की साइज क्या है उसके ऊपर। और अकाउंटिंग का सिरगढ़ यहीं से होता है, हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड जैसे चाहे वैसे नहीं, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस को सिस्टमैटिकली हम बुक्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। फिर क्लासिफाइंग, जर्नल के बाद हम सारे अकाउंट्स अलग अलग करते हैं, कैश अकाउंट अलग, परचेज अलग, सेल्स अलग, कैपिटल अकाउंट अलग, ड्रॉइंग अलग, सैलरी अकाउंट, सारे अकाउंट्स को अलग करते हैं, बाहर देते हैं, और वह काम क्लासिफाई में करते हैं। और क्लासिफाइंग काम हम कहां करते हैं, लेजर में करते हैं। लेजर हमें ईच एंड एवरी अकाउंट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जर्नल हमें एक एक ट्रांजेक्शन के बारे में बताता है, और लेजर हमें ईच एंड एवरी अकाउंट्स के बारे में बताता है। एंड थर्ड समराइजिंग, एक पर्टिकुलर डेट में जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुए हैं उनकी हम समरी बनाते हैं, और यह समरी ट्रायल बैलेंस के थ्रू होता है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो लेजर में जो अकाउंट्स खोले जाते हैं उन लेजर में खोले जाने अकाउंट्स के बेसिस पे बनता है, और यह लेजर के अकाउंट की समरी को बताता है, और उनको हम समराइज करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को प्रूव करने के लिए तैयार किया जाता है, और यह एक पर्टिकुलर पीरियड बनता है, और यह लेजर में खोले जाने वाले अकाउंट्स की हेल्प से बनता है। और इसका मतलब यही देखिए आप, ये समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, इसमें एक जर्नल, एक लेजर, एक ट्रायल बैलेंस, और यही आपका यूनिट्स वन फिनिश होता है। और इस यूनिट्स वन में आपको अकाउंटिंग का बेसिक के साथ साथ आपको सिखाया जाता है कि हाउ टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन, हाउ टू क्लासिफाई, ठीक है, इसके साथ साथ आप समरी कैसे करेंगे, ये सारी चीजें, यानी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग इस पूरे यूनिट्स में है। इसमें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मेन टॉपिक यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, फिर से बुक कीपिंग, और साथ में ये जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस रिलेटेड चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन यूनिट्स वन है आपका, जहां अकाउंटिंग का ABCD आपने सीखा, ओके। अब बात करता हूं यूनिट टू, आप अकाउंटिंग का ABCD अब सीख चुके हैं। अगर आप 11, 12 कॉमर्स बैकग्राउंड से है ना, तो आपको इस सिलेबस का 50% से ज्यादा पोर्शन पढ़ावा मिलेगा। और जब बच्चे 11, 12 अकाउंट्स पढ़ के आते हैं तो बीकॉम में इन अकाउंट्स में उनको काफी हेल्प मिलता है, दो यूनिट से ज्यादा पोर्शन उनका पढ़ा हुआ होता है। अब आता हूं यूनिट टू, ये यूनिट्स भी 11, 12 का पढ़ा हुआ है आपका। इस यूनिट्स में पांच चैप्टर है, पांच, फर्स्ट कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। अगर आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए कैपिटल रेवेन्यू आइटम। कैपिटल आइटम में आइए तो कई तरह से बटेंगे, एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। आप अकाउंटिंग करते समय आइडेंटिफाई करिए विच एक्सपेंसेस इज कैपिटल नेचर एंड विच इज रेवेन्यू नेचर। और हम जो गलतियां करते हैं अकाउंटिंग में, वो बहुत सी गलतियां कैपिटल और रेवेन्यू नॉलेज न होने के चलते होती है। हम कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट कर लेते हैं और रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट कर लेते हैं, और इसमें अकाउंटिंग की बहुत सी गलतियां होती हैं। इसलिए आपके सिलेबस में एक अलग से चैप्टर रखा गया है कि अब आप ये गलतियां ना करें और आप कैपिटल एक्सपेंडिचर का पूरा कॉन्सेप्ट समझें, रेवेन्यू का पूरा कॉन्सेप्ट समझें, पूरी चीजें आपको पता होना चाहिए A to Z। तो यहां आएंगे आप, तो कैपिटल रेवेन्यू आइटम में कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, साथ में कैपिटल एसेट्स, सॉरी साथ में कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट्स, कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस, पूरा यहां पे आप आ जाएंगे, कैपिटल और रेवेन्यू आइटम से रिलेटेड चीजें होंगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स, यहां अकाउंटिंग में देखिए, हमने यहां पे रिकॉर्डिंग किया, क्लासिफाइंग किया, समराइजिंग किया, बट हमने बिजनेस का रिजल्ट नहीं निकाला। हम बिजनेस क्यों करते हैं, टू बिजनेस करने का मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट्स। तो हमें जानना चाहिए ना कि एक साल के बिजनेस में हम प्रॉफिट में है कि लॉस में है। अब यहां आएंगे और वो है फाइनल अकाउंट्स, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। फाइनल अकाउंट्स के थ्रू हमें बिजनेस का, एक साल के बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता चल जाएगा, साथ में बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन क्या है पता चल जाएगा। और इसके लिए हम क्या बनाते हैं, देखिए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। स्पेशली अकाउंट्स वहां बनता है जब हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का बुक्स मेंटेन करते हैं। दो तरह कंसर्न है, एक ट्रेडिंग कंसर्न जो खरीदते बेचते हैं, वहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनता है, और एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो बना के बेचते हैं, तो वहां हमें एक और अकाउंट बनाना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स।
ट्रेडिंग कंसर्न में जो सिर्फ खरीदते बेचते हैं वहां ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनता है बस, बट जो बना के बेच रहे हैं वहां एक एडिशनल अकाउंट्स बनाना होगा और सबसे पहले वहां क्या बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स, फिर ट्रेडिंग अकाउंट्स, फिर पीएल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। यानी फाइनल अकाउंट्स के थ्रू हम एक साल के बिजनेस में प्रॉफिट्स में है कि लॉस में है ये पता चल जाएगा। 31 मार्च जब मेरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो उस डेट को हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, आई मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसके थ्रू हमें एक साल का बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता होता है। साथ में हम बैलेंस शीट बनाते हैं और ये बैलेंस शीट हमें बिजनेस के फाइनेंशियल पोजिशन बताता है, बट ये बैलेंस शीट पूरे साल भर के फाइनेंशियल पोजिशन नहीं बताता है, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट के फाइनेंशियल पोजिशन को बताता है। इट्स योर, ये आपका फाइनल अकाउंट्स है। फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पे इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। जब हम बुक्स मेंटेन करते हैं तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमसे छूट जाती हैं, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस भी हैं जो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, कुछ को गलत रिकॉर्ड्स कर देते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लास्ट सीधे एट द एंड ऑफ द ईयर रिकॉर्ड होती हैं। जैसे अक्रूअल बेसिस पे जब अकाउंटिंग करते हैं आप तो आउटस्टैंडिंग का पता लास्ट में ही होगा, अक्रूड का पता लास्ट में होगा, प्रीपेड का पता लास्ट में होगा, डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर चार्ज किए जाएंगे। तो जब आप 31 मार्च को बुक्स क्लोज करते हैं तो जब आप ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहां आपको बहुत सी चीजें एडजस्ट करनी होती हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको काम करना होता है। अगर हम ऐसा ना करें तो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस रियल नहीं आएगा और फाइनेंशियल पोजीशन भी रियल नहीं होगा। इसलिए हम बुक्स क्लोज करते समय जब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे तो बहुत चीजों को एडजस्ट करते हैं और उसके लिए हम एंट्रीज पास करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्रीज। और उसको हम एंट्रीज पास ही नहीं करते हैं, उनको हम ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में ट्रीट भी करते हैं, कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो यहां आएंगे आप तो डिफरेंट एडजस्टमेंट एंट्री पढ़ेंगे, जैसे क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम, डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बहुत सी एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको यहां पढ़ने हैं। एंड फोर्थ चैप्टर डेप्रिसिएशन, ये भी आप 12th क्लास में पढ़े हुए हैं। आपको पता है कि फिक्स एसेट्स में लैंड छोड़ दीजिए तो सारे फिक्स एसेट्स को कंटिन्यूस यूज करने से उसकी वैल्यू घटती है, तो जो एसेट्स की वैल्यू कंटिन्यूस यूज करते घटती है वही डेप्रिसिएशन होता है। और ये नेचर, अगर आप प्लांट मशीनरी खरीदते हैं तो ईयर टू ईयर उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, मोटर व्हीकल है ईयर वैल्यू कम होती जाएगी। तो यहां पे डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉजेस डिप्रेशन क्यों लगता है और उसके मेथड्स, मेथड तो बहुत से हैं, दो मेथड पे ज्यादा हाइलाइट्स किया जाता है। पहला फिक्स इंस्टॉलमेंट्स मेथड, जिसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, और दूसरा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसको हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, WDV मेथड भी कहते हैं। तो आपको डेप्रिसिएशन से हमेशा, इस टॉपिक से भी हमेशा क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में हमेशा आते हैं, कई बार तो 20-20 मार्क्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं, हर साल आपको इस न्यूमेरिकल्स या थ्योरी फॉर्म में कुछ न कुछ जरूर मिलता है। एंड लास्ट चैप्टर है प्रोविजंस एंड रिजर्व, अकाउंटिंग का ये भी दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है जिसको हम कहते हैं, जो प्रोविजन और रिजर्व के नाम से है। प्रोविजन मैंडेटरी है, ये अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ये फ्यूचर के नोन लाइबिलिटीज और नोन लॉसेस के लिए होता है, ठीक है। जैसे हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है, ये पीएल में दिखाते हैं, प्रॉफिट हो या ना हो प्रोविजन हम करते हैं। ये एस्टिमेटेड होता है, इसका एक्यूरेट कितना होगा इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। फिर रिजर्व्स, हम अपने फ्यूचर के फाइनेंशियल पोजीशन के लिए और स्ट्रांग करने के लिए हम हर साल के प्रॉफिट्स का एक पार्ट रिजर्व कर देते हैं, जो फ्यूचर के अननोन लायबिलिटीज और लॉसेस के लिए होता है। और रिजर्व में भी कई रिजर्व्स होते हैं आपके, ठीक है ना, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ठीक है, यहां भी आएंगे आप, यहां रिजर्व फंड के बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है, स्पेसिफिक रिजर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, ये पूरा आपका चैप्टर है। और इससे भी आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल टॉपिक्स हर साल पूछे जाते हैं, स्पेशली डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इट्स योर यूनिट्स नंबर 2, जहां हम 5 चैप्टर्स को स्टडी करते हैं, ये यूनिट नंबर 2 है। आपके एग्जाम से पता है ना आपको 9 क्वेश्चंस आते हैं, 9 में से पहला क्वेश्चन कंपोजिट होता है, जिसमें ABCD करके 5 पार्ट्स होता है, हर 4 नंबर का होता है। फिर 4 क्वेश्चन सेक्शन ए में होते हैं सिंगल सिंगल, जिसमें 2 करना होता है आपको, और सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस होते हैं, पर हर क्वेश्चन में ए बी होता है, और इसमें भी आपको 2 करना होता है, और जो 2 करेंगे उसका ए बी दोनों करना होगा, तभी एक क्वेश्चन होगा आपका।
तो आपके जो हर सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हर सेक्शन में, यूनिट वन से भी यूनिट टू से भी। अब वो किस फॉर्म में आते हैं, इससे मोस्टली किस में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहां भी मोस्टली थ्योरेटिकल, कभी कभी इसमें डेप्रिसिएशन से न्यूमेरिकल आए हुए, ठीक है, और सब थ्योरेटिकल बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए सबसे मेन यूनिट्स पे आ रहा हूं, और इसको मैंने हाईलाइट करके पहले से रखा है, काफी जगह दे रखा है, क्योंकि आपको इस पूरे सिलेबस के बारे में बताऊंगा, इस पूरे अकाउंटिंग के सिलेबस का मेन यूनिट्स यूनिट्स नंबर 3 है। अगर आप एग्जाम में 9 क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ये मान लीजिए 4 क्वेश्चंस कम से कम इस यूनिट से अकेले अकेले आते हैं, यानी लमसम आपके पेपर का 50% के आसपास का पोर्शन, 50% थोड़ा सा नीचे कह लें, वो यूनिट 3 से पूछता है, और इसका नाम पढ़िए स्पेशल अकाउंटिंग एरियाज। ये जो चैप्टर मैं आपके साथ लेके आ रहा हूं ना, इन चैप्टर्स को आप अकाउंट्स में 11, 12 में नहीं पढ़े हैं, यहां यूनिट 1 और यूनिट 2 आई थिंक ये सब पढ़े हैं। हाँ, इसमें मैं कह दूं तो आप कैपिटल रेवेन्यू एज ए चैप्टर नहीं पढ़े हैं, एज ए टर्म्स पढ़े हैं, प्रोविजन रिजर्व आप चैप्टर नहीं पढ़े, बट यहां आइए, यहां का जो टॉपिक्स है यूनिट 3 में 6 चैप्टर्स हैं, और बता दूं इस पूरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अगर कोई मेन अकाउंटिंग का टॉपिक है ना, तो यही हुई है। अब तक आपने बस 11, 12 के अकाउंट्स के पोर्शन को रिवाइज किया, बस यही जान लीजिए। यहां आइए यूनिट 3 में फर्स्ट रॉयल्टी अकाउंट, वेरी इंटरेस्टिंग। यू नो रॉयल्टी, रॉयल्टी जब हम किसी के एसेट्स को यूज करते हैं और उस एसेट्स के यूज के बदले में उसको जो हम रेमुनरेशन देते हैं वो रॉयल्टी होता है, यानी आप कह सकते हैं कि रॉयल्टी इज अ रेमुनरेशन पेबल टू ओनर ऑफ एसेट्स बाय द यूजर ऑफ एसेट्स। हम किसी के एसेट्स को यूज कर रहे हैं, उसके उस एसेट्स को यूज करके हम कमा रहे हैं, और उसके मालिक को कुछ देंगे, और वह क्या होगा, रॉयल्टी होगा। रॉयल्टी रेट में डिफरेंस होता है, रॉयल्टी या तो प्रोडक्शन या सेल्स के ऊपर बेस्ड होता है, जबकि रेंट जो है पीरियड के ऊपर बेस्ड होता है। तो यहां आएंगे तो बहुत आप इस टॉपिक्स में आएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉयल्टी है, माइनिंग रॉयल्टी है, कॉपीराइट रॉयल्टी है, पेटेंट रॉयल्टी है, रॉयल्टी इन कनेक्शन विद ऑयल वेल्स है, रॉयल्टी इन कनेक्शन विद ब्रिक्स मिक्सिंग है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉयल्टी पढ़ेंगे आप। और यहां दो पार्टीज होते हैं, लेसी और लैंडलॉर्ड। जो एसेट्स को ऑनर होता है उसको हम लैंडलॉर्ड कहते हैं, और जो एसेट्स को लेकर यूज करता है वह लेसी कहलाता है। जैसे मान लीजिए मिस्टेक्स का कोल माइंस है, मैंने मिस्टेक्स का कोल माइंस 5 साल के लिए एग्रीमेंट करा लिया कि भाई मैं आपके कोल माइंस से कोयला निकाल के बेचूंगा, मैं उसमें से, और तय हो गया कि आपको पर टन 5 रुपए कोयला निकालू, 5 रुपए पर टन कोयला निकालने पे रॉयल्टी दूंगा, अब जितना टन में कोयला निकालूंगा उस पे उनको रॉयल्टी दूंगा। तो यहां आएंगे आप तो लैंडलॉर्ड और लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग होगी, और यहां आपको जर्नल लेजर करना है, ये कौन कौन सी एंट्री लेसी की बुक्स में होती है, कौन कौन सी एंट्री लैंडलॉर्ड की बुक्स में होती है, कौन कौन से अकाउंट्स खोले जाते हैं। और यहां सबसे इंटरेस्टिंग एक टेबल बनता है, इसका नाम है एनालिटिकल टेबल, उसी बेसिस पे सारा काम किया जाता है। फिर सेकेंड, हायर परचेस सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। जो बिजनेस करते हैं तो हमें बिजनेस के कोर्स में डिफरेंट एसेट्स रिक्वायर्ड होता है, जिससे हम बिजनेस को स्मूथली चलाएं, और हर बिजनेस में फंड की शॉर्टेज होती है, तो हम कहां से बिजनेस के एसेट्स को लेकर आएंगे, तो ऐसे डिफरेंट सिस्टम्स हैं जहां हम बिजनेस के लिए एसेट्स इंस्टॉलमेंट्स पे खरीद सकते हैं। हमारे मार्केट में 2 ऐसे सिस्टम्स अवेलेबल हैं जिसके लिए हम बिजनेस के लिए एसेट्स इंस्टॉलमेंट पे खरीद सकते हैं। आइए 2 सिस्टम में, पहला हायर परचेस सिस्टम HPS, हम इसके लिए बिजनेस के लिए कोई भी मोटर व्हीकल, प्लांट, मशीनरी और HPS पे खरीद के लिए आएंगे, और उसका इंस्टॉलमेंट दे दे के उस एसेट्स का सारा जो जितने में ऐसे उधार लिया था वो पेमेंट कर देंगे। फिर उसी तरह इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम भी है, यहां भी हम एसेट्स इंस्टॉलमेंट्स पे लेते हैं और उसका पेमेंट, हम ऐसे उधार खरीदते हैं और उसका इंस्टॉलमेंट वाइज पेमेंट करते जाते हैं विद इंटरेस्ट। दोनों में हम इंस्टॉलमेंट जो है वो इंटरेस्ट के साथ देते हैं, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, दोनों में एसेट्स आपको क्रेडिट्स पे उधार मिल जाएगा और उसका पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट से विद इंटरेस्ट कर देंगे, बट डिफरेंस है। हायर परचेस सिस्टम में आप एसेट्स लेके आएंगे, यूज करेंगे, बट आप उस एसेट्स के ऑनर नहीं है, आपको उस एसेट्स की ऑनर से लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद मिलेगी, यानी कि एसेट का जो पोजीशन है वो आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट्स के पेमेंट करने के बाद ट्रांसफर होगा। यानी आप कह सकते हैं कि अगर आप HPS पे कोई एसेट खरीदे हैं हायर परचेस सिस्टम पे, तो आप एसेट लेके आए हैं, यूज कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, बट आप पेपर पे उसके ऑनर नहीं है। अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं दिए, डिफॉल्ट कर दिया इंस्टॉलमेंट्स में, तो
वेंडर आपका एसेट्स वापस ले लेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि लीगल वो स्ट्रांग है, पेपर पे आपका नाम कहीं नहीं है। यानी ओनरशिप ट्रांसफर टू परचेजर आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट अंडर हायर परचेज सिस्टम। आईपीएस में भी आप उधार खरीदते हैं एसेट्स, इंस्टॉलमेंट से पेमेंट करते हैं विद इंटरेस्ट, बट यहां एसेट्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर हो जाती है? एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। यानी अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम ओनरशिप ट्रांसफर टू परचेजर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट्स, यू कैन से एट द डिलीवरी ऑफ एसेट्स। जैसे हम एसेट डिलीवरी लेंगे वहां पर, ये दो सिस्टम्स हैं और इन दोनों सिस्टम से आपको अकाउंटिंग करनी है। ब्रांच अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पता है कि हेड ऑफिस और ब्रांच का कॉन्सेप्ट है। मुंबई में हेड ऑफिस है, पूरे इंडिया में उसके ब्रांचेस हैं। मान लीजिए बाटा का ब्रांच है, बहुत सी ब्रांच है। ब्रांच क्यों खुलता है? क्योंकि हम सेल्स, अपने सेल्स को हर जगह पे करना चाहते हैं, और एक जगह आप इंडिया में गुड्स बेचेंगे तो आप बहुत लंबा टर्नओवर नहीं कर पाएंगे। तो आपने सोचा भाई मैं हर शहरों में अपना ब्रांच खोलूंगा, और आप हर शहरों में ब्रांच ओपन करते हुए चले गए, आपका सेल्स कई गुना बढ़ता चला गया। और उस ब्रांच, जो आपने ब्रांच खोला, उसकी अकाउंटिंग करनी है आपको। ब्रांच में कैसे बुक्स मेंटेन होगा? यहां डिपेंडेंट ब्रांच है, इनडिपेंडेंट ब्रांच है। डिपेंडेंट ब्रांच में कई मेथड से अकाउंटिंग है, डायरेक्ट मेथड्स, फाइनल अकाउंट्स मेथड्स, डेटर स्टॉक मेथड। इनडिपेंडेंट ब्रांच की भी अकाउंटिंग है, फॉरेन ब्रांच की भी अकाउंटिंग है। यहां आप आएंगे तो ब्रांच ही पढ़ेंगे। मैंने वहां टॉपिक मेंशन नहीं किया है क्योंकि मैं उसको बता दिया, यानी इसमें डिपेंडेंट ब्रांच भी है, इनडिपेंडेंट ब्रांच भी है, फॉरेन ब्रांच भी है। डिपेंडेंट ब्रांच में कई मेथड से अकाउंटिंग है आपका, किससे किससे? डायरेक्ट मेथड, फाइनल अकाउंट्स मेथड, स्टॉक डेटर मेथड, और इसी में होलसेल ब्रांच मेथड मेथड भी है। फिर इंडिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच में आएंगे आप, फॉरेन ब्रांच में आएंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है आपका, बट हर साल एग्जाम में इससे कुछ ना कुछ मिलता है आपको। इंश्योरेंस क्लेम्स, आप जो बिजनेस करते हैं ना, आप बिजनेस में रिस्क में होते हैं, और हर बिजनेसमैन अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहता है। हम रिस्क को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? कई जगहों पे हम रिस्क को इंश्योरेंस के थ्रू मिनिमाइज कर सकते हैं, बीमा करा करके। हम अपने गोडाउन में रख के 50 लाख गुड्स का इंश्योरेंस करा रहे हैं, कल को कहीं शॉर्ट सर्किट लगा, आग लगा, तो बर्बाद हो जाएंगे हम। तो हमने क्या किया, अपने गोडाउन में रखे गए गुड्स का इंश्योरेंस करा लिया। कल को अगर आग भी लगा तो जल गया तो हम इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम करेंगे, और जितना लॉस हुआ है मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। उसी तरह हम अपने बिजनेस के फिक्स एसेट्स का इंश्योरेंस कराते हैं, उसी तरह हम बिजनेस के लॉस ऑफ प्रॉफिट का इंश्योरेंस कराते हैं। हमें डर है कि कहीं कुछ बिजनेस में हैपनिंग हुआ और मेरा प्रॉफिट्स कम हो गया तो क्या होगा, उसका भी इंश्योरेंस कराते हैं। यानी यहां पढ़ेंगे क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, गोडाउन में गुड्स जलने पे कैसे क्लेम निकाला जाएगा, और दूसरा क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो आग लगने के चलते जो मेरा प्रॉफिट कम हो गया उसके लिए भी क्लेम करेंगे। तो यहां आप दो पार्ट्स पढ़ेंगे, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक और क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। है तो क्लेम फॉर लॉस ऑफ फिक्स एसेट्स भी, बट मेन दो टॉपिक्स हैं। एंड लास्ट वन पैकेजेस। पैकेजेस बहुत अलग टॉपिक है ये। इसमें क्या होता है कि हम जो बिजनेस करते हैं, जो हम गुड्स खरीद के बेचते हैं, उन गुड्स को हम बॉक्सेस, डिब्बों, टिन्स में रख के बेचते हैं। जो बॉक्सेस, डिब्बे और टिन खरीदते हैं, ड्रम्स खरीदते हैं, उसकी अकाउंटिंग है। कितने ड्रम, बॉक्सेस और टिन खरीदे हमने, जिसमें हम सामान रख के बेच रहे हैं। तो वो जो ड्रम, टिन, बॉक्सेस खरीद के हम लाए हैं, जिसमें हम गुड्स रख के बेच रहे हैं, ये अकाउंटिंग गुड्स जो हम बेच रहे हैं उसकी अकाउंटिंग नहीं है। जो गुड्स खरीद रहे हैं उसकी अकाउंटिंग नहीं है। जो हम बॉक्सेस, ड्रम्स, टिन्स खरीद रहे हैं और जिसमें गुड्स रख के भेज रहे हैं, उसकी अकाउंटिंग है। कहीं हम उन बॉक्सेस में गुड्स भेज रहे हैं तो उन बॉक्सेस का पैसा चार्ज कर ले रहे हैं, कहीं नहीं चार्ज कर रहे हैं। कुछ बॉक्सेस रिटर्नेबल हैं, कुछ बॉक्सेस रिटर्नेबल नहीं है, इसकी पूरी अकाउंटिंग है। यहां पे दो पार्ट में बॉक्सेस बटेंगे, रिटर्नेबल पैकेजेस एंड नॉन रिटर्नेबल पैकेजेस, यहां अकाउंटिंग पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है बट एग्जामिनेशन ने पूछता है। इट्स योर यूनिट 3, सबसे मेन यूनिट अकाउंटिंग का आपका यही है, और सबसे ज्यादा फोकस अकाउंटिंग इसी पे किया जाता है। और ये पढ़ लीजिए तो अकाउंटिंग का बहुत बड़ा पोर्शन पूरा होता है आपका। आइए लास्ट यूनिट में डिस्कस करते हैं आपके साथ, एंड लास्ट एंड फोर्थ यूनिट इज पार्टनरशिप अकाउंट्स। आप 12th क्लास में भी किसी बोर्ड से आए हो, सीबीएसई, आईएससी और यूपी बोर्ड या स्टेट बोर्ड, आपने जरूर पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ा होगा। एक बहुत बड़ा यूनिट पार्टनरशिप का है, बहुत बड़ा पोर्शन है यहाँ पे, जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। देखिए आएंगे तो आपको पता है पार्टनरशिप एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो पार्टनरशिप एक्ट
पार्टनरशिप एक्ट से गवर्न होता है और यहां पे डिफरेंट टर्म्स हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स और पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स कैसे बनता है, वहां भी ट्रेडिंग पीएल, पीएल एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट बनता है, यहां भी एडजस्टमेंट्स होते हैं वो ये। फिर उसी में फिक्स पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर दोनों चेंज होती है। पूरे साल भर बहुत से ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिससे पार्टनर्स की कैपिटल क्या करती है, घटती है और बढ़ती है। तो हम पार्टनर्स की कैपिटल को पता करना चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर पार्टनर्स की कैपिटल क्या है। इसके लिए हम पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल दो बेसिस से बनता है, फिक्स पे अलग और फ्लक्चुएटिंग पे अलग। फिक्स होता है तो दो अकाउंट्स बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग होता है तो सिंगल अकाउंट्स बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। फिर इसी में गुडविल, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है गुडविल, जो एक इनटेंजिबल एसेट्स है और डिफरेंट ओकेजन पे गुडविल को ट्रीट किया जाता है बुक्स में, गुडविल को वैल्यू किया जाता है। यहां वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी है डिफरेंट मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट्स मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड, और उस गुडविल को कैसे ट्रीट किया जाता है वो भी आपको सिखाया जाएगा। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, पार्टनरों का पार्टनर अपना अलग अलग लाइफ पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस कराना ठीक है, लेकिन फर्म पार्टनरों का अपने पैसे से बीमा कराती है और सारे पार्टनरों का अलग नहीं एक साथ कराती है। जब फर्म पार्टनरों का कंबाइंड इंश्योरेंस कराती है, एक सबका मिला के एक कराती है, दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में फर्म जो प्रीमियम देती है कभी उसको एक्सपेंसेस ट्रीट करते हैं तो अलग अकाउंटिंग होती है, कभी उसको असेट्स ट्रीट करते हैं तो कुछ सी अकाउंटिंग अलग होती है, कहीं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट्स मेंटेन होता है तो अलग अकाउंटिंग होती है। यहां आप आएंगे तो पूरी अकाउंटिंग है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के ऊपर। फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोस, पार्टनरों के जो जब पार्टनरशिप डीड बनती है तो पार्टनरों के बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो चेंज भी होता है। तो उस चेंज होने पे क्या इंपैक्ट्स पड़ता है वो आप यहां देखेंगे, ये पहला टॉपिक्स। फिर पार्टनरशिप में कुछ पार्टनरशिप में रिकंस्ट्रक्शन होता है। पार्टनरशिप में पार्टनर जब एक साथ जुड़ते हैं तो उनके बीच में एग्रीमेंट होता है जो पार्टनरशिप डीड कहलाता है, और उस डीड में सारी बातें लिखी होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म चलता है। बट अगर पार्टनरशिप में कुछ रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है तो डीड चेंज हो जाती है। और यहां आइए एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, एक फॉर्म में दो पार्टनर्स हैं, एक नया पार्टनर आ रहा है, पुरानी डीड चेंज होगी, नई डीड बन के क्या होगी, तैयार हो जाएगी। तो एक पार्टनर्स के एडमिशन पे पार्टनरशिप बुक्स में क्या चेंजेस आएंगे, कौन कौन से एंट्रीज होंगे बुक्स में, क्या चेंजेस होंगे ये हम देखेंगे, यहां पे अकाउंटिंग करेंगे रिकंस्ट्रक्शन केस में कि एक एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स पे क्या होगा। जब पार्टनर्स आएगा तो पार्टनर्स जिस डेट को आएगा वो कैपिटल लाएगा, वह उसे पुराने पार्टनर्स प्रॉफिट देंगे तो वह उनको गुडविल देगा लाके। तो यहां पे कैपिटल लाने का, गुडविल को ट्रीट करने का, जब वो आएगा तो फॉर्म के एसेट्स लायबिलिटीज को रिवाइज किया जाएगा, रिवैल्यू किया जाएगा, जहां रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। उसके आने पे फॉर्म का कैश बैग बैंक पहले से चेंज हो जाएगा और जो पुरानी बैलेंस शीट थी उसमें ए और बी पार्टनर है, अब नया पार्टनर सी आ गया, अब नई बैलेंस शीट बनेगी जिसमें ए बी और सी होगा। यानी पार्टनर्स के एडमिशन के डेट पे हम बुक्स मेंटेनेंस करेंगे, दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जैसे एक पार्टनर्स के एडमिशन बुक्स मेंटेन हुआ वैसे जब एक पार्टनर फॉर्म से चला जाएगा रिटायरमेंट ले लेगा तो वहां भी बुक्स चेंजेस होंगे। जब वो जाएगा तो उसका हिस्सा निकाल के उसको दे दिया जाएगा। जहां तीन पार्टनर्स थे पहले प्रॉफिट तीन में बढ़ता था, अब एक के चले जाने से अब प्रॉफिट दो में बटेगा, पुराने पार्टनर जो बचे पार्टनर है वो गेन करेंगे अब। तो यहां जो पार्टनर जाएगा उसके जाने के बाद फॉर्म का रिकंस्ट्रक्शन होगा, डीड भी चेंज हो जाएगी और सब कुछ अलग तरीके से मेंटेन होगा, नई बैलेंस शीट बनेगी, उसका हिस्सा निकाला जाएगा जो पार्टनर जा रहा है, उसके जाने पे एसेट्स लायबिलिटीज को रिवैल्यू किया जाएगा। तो यहां भी अकाउंटिंग होनी है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर्स, अगर किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो उसके नॉमिनी को, उसके एग्जीक्यूटर को उसका हिस्सा दिया जाएगा, तो उसके डेथ पे उसका बुक्स मेंटेन होगा और डिजीज पार्टनर्स का हिस्सा निकाला जाएगा। और यहां भी रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहां भी रिविजन रिवाइज बैलेंस शीट बनाया जाएगा। फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, सबसे मेन टॉपिक इस पूरे सिलेबस का यही है, पार्टनरशिप का सबसे मेन टॉपिक। जब एक फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है, जब एक फॉर्म डिसॉल्व हो गई तो वहां बुक्स मेंटेन होगा, और जब एक फॉर्म डिसॉल्व हो गई, फॉर्म बंद हो गई, तो वहां हम सेटलमेंट के रिगार्डिंग बुक्स मेंटेन करते हैं। और डिसोल्यूशन तीन टॉपिक में डिवाइड है। पहला, व्हेन ऑल पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व पार्टनरशिप फॉर्म, जब सारे पार्टनर्स मिलकर फॉर्म को डिसॉल्व करने की बात करते हैं तो पहला सिंपल डिसोल्यूशन। फिर इंसॉल्वेंट, डिसोल्यूशन ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, दो इंसॉल्वेंट हो जाए, या फॉर्म के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, तब भी फॉर्म क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है।
तो एक जब सारे पार्टनर्स मिलकर फॉर्म डिसॉल्व करते हैं एक, और जब पार्टनर दिवालिया हो जाए तो फॉर्म डिसॉल्व होती दो। और इसी में जो बुक सेटलमेंट का तरीका होता है, यहां अकाउंट्स बनाए जाते हैं, रिलेशन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट्स। बट इसी का एक तरीका और भी है, वो नीचे मैंने लिखा है, देखिए आप, ये टॉपिक्स इसी का पार्ट है, ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके एग्जाम में या तो इस पर न्यूमेरिकल्स या थ्योरी पूछा जाता है, पिछली बार इससे न्यूमेरिकल पूछा जा चुका है। क्या है, क्या है ये टॉपिक? ये कहता है कि आप एक ही, आप एसेट्स बेचते जाइए फॉर्म का, जब फॉर्म डिसॉल्व हो गई तो एसेट्स बिकेगा, पैसा आएगा, और लायबिलिटीज का वन बाय वन पेमेंट होगा। पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट होगा, तब इंटरनल का पेमेंट होगा। तो एक एसेट्स बिके उसको बांट दीजिए, एक एसेट्स बिके पैसा आए जिसकी बारी उसको दे दीजिए। तो ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ एसेट, धीरे धीरे संपत्ति से पैसा आ रहा है और उसको टुकड़ों बांटते जाइए। हो सकता है क्रेडिटर्स को तीन बार पैसा दे, आप मशीन बेचे पैसा आया क्रेडिटर को दे दिया, अभी क्रेडिटर बचे हैं, बिल्डिंग बिका पैसा आया क्रेडिटर को दे दिया, ये पैसा बचा है। तो यहां पे धीरे धीरे एसेट्स से पैसा मिलेगा और लायबिलिटीज का टुकड़ों में क्या होगा, पेमेंट्स होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेजुअल रिलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन। ये ऑलरेडी डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का ही पार्ट है, एंड सेल ऑफ फर्म टू अ कंपनी। हम अपने पार्टनरशिप बिजनेस को बेच सकते हैं एक कंपनी को, या हम अपने पार्टनरशिप बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में। तो जब एक फर्म पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाए, या तो एक नई कंपनी बना करके फर्म को ले लिया जाए, या एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी इस फर्म को खरीद ले। तो यहां पे एक पार्टनरशिप फर्म जब कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है, या पार्टनरशिप फर्म को एक कंपनी को बेच दिया जाता है, तो इस केस में कौन कौन से बुक्स मेंटेन किए जाते हैं, इसमें क्या क्या अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, ये आपको पढ़ना है। एंड लास्ट, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मार्केट से बहुत कंपटीशन है, कंपटीशन हेल्दी भी है अनहेल्दी भी है। इस कंपटीशन के नाते फर्में अच्छा प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर पाती हैं और बहुत सी फर्में लॉस पे जाती हैं। फर्में कहती हैं कि अगर हम कुछ स्ट्रेटजीज बनाएं तो अच्छा कर सकते हैं। उन स्ट्रेटजीज में एक स्ट्रेटजीज अमलगमेशन है। अमलगमेशन मींस मर्जर। जब कम से कम दो पार्टनरशिप फर्में अपने बिजनेस को शट डाउन करके मिलकर एक नई फर्म बना रहे, तो यह प्रोसेस अमलगमेशन कहलाता है। इससे अगर दो फॉर्में मिलकर एक फॉर्म, एक नई फॉर्म बन गई, तो उनकी स्ट्रेंथ डबल हो गई। उनमें मैन पावर की जो लोग पार्टनर्स हैं वो डिफरेंट फील्ड्स के हैं, स्पेशलाइजेशन बढ़ जाएगा, खर्चे कम होंगे, नए बाजार में एंट्री बहुत आसान हो जाएगी, मार्केट में मोनोपोली बननी शुरू हो जाएगी। ये अमलगमेशन ऑफ फॉर्म है। इसमें क्या होता है, कम से कम दो फर्में अपने बिजनेस को बंद करके मिलके एक नई फॉर्म बनाती हैं, और इसी दो फर्मों का एसेट्स उस नई फॉर्म में जाता है, इसी पुराने फॉर्मों का लाइबिलिटीज उस नए फॉर्म में जाते हैं। यही पार्टनर्स जो पुराने फॉर्मों में हैं, वहां नए पार्टनर्स बन जाते हैं और वहां एक नई फॉर्म फॉर्म हो जाती है और वहां बिजनेस क्या होता है, शुरू हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ, इस पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, कभी कभी थ्योरेटिकल टॉपिक पूछा गया है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस था। मैंने इस पूरे सिलेबस के एक एक टॉम्स पे आपके साथ बात किया और मैंने हर टॉपिक में कुछ न कुछ आपको बताने की कोशिश की कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि ये चैप्टर है क्या और इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। आई होप कि आप इस वीडियो को देखेंगे और जरूर इससे आपको बहुत बेनिफिट्स होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल है, आपको पूरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आइडिया इस पूरे वीडियो से हो जाएगा। और फिर भी अगर डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर मेंशन करिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं जरूर कमेंट बॉक्स में आपके उस कमेंट्स जो आप पूछेंगे उसका आंसर मैं आपको दूंगा। आपको बताऊं कि सारे चीजें हैं, सबसे मेन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट 3 यूनिट 4 देखिए, थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारे सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, बट सबसे मेन पोर्शंस आपका यूनिट 3 है और यूनिट 4 है। ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंग काम करिए। आज आप मैंने आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वीडियो सिलेबस के बारे में बात किया। नेक्स्ट वीडियो में जब आऊंगा तो आपका स्टैटिस्टिक्स है, मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन है, इकोनॉमिक्स है, मनी फाइनेंशियल है, मैं इस पर भी आपके साथ काम करूंगा। आप मेरी वीडियो को देखिए और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अपने ही नहीं, ये इंफॉर्मेशन मैं चाहता हूं आपके जितने फ्रेंड्स आपके साथ बीकॉम कर रहे हैं, जो
उनको व्हाट्सएप के थ्रू इस वीडियो का लिंक जरूर भेजिए कि जिससे कि उनको इन्फॉर्मेशन हो पाए। बहुत से जगहों पे कॉलेज नहीं खुले हैं, यूनिवर्सिटी नहीं खुली हैं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है, वहाँ बच्चे बहुत प्रॉब्लम में हैं कि कैसे वो पढ़ाई करें, वहाँ ये वीडियो उनको बहुत हेल्प करेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो का लिंक अपने सारे फ्रेंड्स को प्रोवाइड करें जिससे बच्चे इसके बारे में जान पाएं। फिर एक नया वीडियो साहब बहुत जल्दी आपके साथ मिलूंगा। थैंक्स।